नमस्कार दोस्तों दोस्तों रेलवे अप्रेंटिस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे अप्रेंटिसशिप जिसके पास NSA सर्टिफिकेट है, अर्थात नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, अप्रेंटिसशिप वाले जो NSA सर्टिफिकेट वाले अप्रेंटिसशिप वाले हैं उसके लिए खुशखबरी है दोस्तों। ITI वाले और अप्रेंटिस वाले छात्र डायरेक्ट वे टीचर बन सकते हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, बिना किसी एक्सपीरियंस के NSA वाले टीचर बनेंगे, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। ITI और अप्रेंटिसशिप NSA सर्टिफिकेट वाले के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वे अब उनको अब डायरेक्ट टीचर में भर्ती दिया जाएगा, उनको टीचर बनने का बहुत बड़ा मौका उनको मिलेगा। तो दोस्तों आइए आपको डिटेल से बताते हैं। देखिए दोस्तों, यह एक उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यह उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भुवनेश्वर के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है, यह नोटिफिकेशन दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब जो ITI अप्रेंटिसशिप है, आप देख सकते हुए अब टीचर बनेंगे। आप देखिए कि वैकेंसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ स्केल ऑफ पे, जो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वह इसमें दिया गया है। अब देख सकते हैं असिस्टेंट नेम ऑफ द पोस्ट में दिया है असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर, और वैकेंसी में फॉर NTC और NSA होल्डर के लिए 125 सीट की वैकेंट है, और डिप्लोमा और डिग्री वाले के लिए भी 125 सीट की वैकेंट, अर्थात इतने सीट खाली है। तो आप इसमें देख सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देख सकते हैं, इसमें सी मस्ट प्रोसेस NTC NSA ITI पास और सर्टिफिकेट इन द रिलेवेंट ट्रेड पोस्ट अगेंस्ट व्हिच सी अपील, अर्थात इन पोस्ट के लिए जो नीचे ये सारी पोस्ट आपको दिया गया है, इन सभी पोस्ट के लिए जो NSA वाले हैं उन सभी को टीचर बनने का अवसर दिया जाएगा। अब देख सकते हैं इस नौकरी के बारे में, ग्रुप ऑफ स्केल ऑफ पे लेवल, यह ग्रुप बी की नौकरी है और लेवल 9 का यह नौकरी है। तो दोस्तों लेवल 9 की एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, अच्छा खासा इसमें सैलरी दिया जाता है। तो आइए दोस्तों आपको दिखाते हैं कि इनमें बहुत सारे ट्रेड को दिया गया है। जैसे कि आप ट्रेड देख सकते हैं, कोपा होगा, ड्रेस मेकिंग हो गया, इलेक्ट्रीशियन होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फीटर हो गया, यह सारे टेस्ट जो है यह सारे ट्रेड को इसमें शामिल किया गया है। माने कि इन सारी ट्रेड वाले को अब शिक्षक बनाया जाएगा उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है NSA वाले CCA भाई के लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इसमें पोस्ट देख सकते हैं दोस्तों, जो इलेक्ट्रीशियन है उसमें NSA इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, इसमें आप देख सकते हैं 46 पोस्ट इसमें दिया गया है। और आप फीटर में देखिए, फीटर में भी देख सकते हैं NSA इन फीटर ट्रेड, फीटर में भी देख सकते हैं 49 सीट दिया गया है दोस्तों। इलेक्ट्रीशियन और फीटर में सबसे अधिक सीट दिया गया है। जो भी अप्रेंटिसशिप साथी इलेक्ट्रीशियन और फीटर से है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, उनके लिए अधिक सीट इस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में शिक्षक बनने का मौका दिया जाएगा। और भी देख सकते हैं मैकेनिस्ट में है, और भी पोस्ट इसमें दिया गया है, और भी ट्रेड के बारे में इसमें दिया गया है। तो दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है कि अब ITI होल्डर छात्र को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। आप देख सकते हैं इसमें ITI और NSA के लिए 125 सीट है, और डिप्लोमा के वाले के लिए भी 125 सीट है, दोनों के लिए समान सीट दिया गया है। और आप इसमें डिटेल से देखिए, उम्र के बारे में देख सकते हैं आप, एज के बारे में देख सकते हैं इसमें, एज लिमिट ऑफ पोस्ट आप देख सकिए 21 साल से 38 साल तक इसमें एज लिमिट दिया गया है। और आप आगे देखिए इसमें एज जो UR में है उसमें 21 साल और जो और 38 साल, UR को 21 साल और 38 साल का एज इसमें दिया गया है। तो दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब NSA सर्टिफिकेट वाले जितने भी साथी हैं उनको अब
टीचर बनने का मौका अब दिया जाएगा। उनको अब शिक्षक बनने का अवसर उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा इसमें दिया गया है। दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है, अप्रेंटिस भाई के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इसमें देख वैकेंसी रिजर्व रखा गया है, पीडब्ल्यूडी के लिए भी है, एक सर्विसमैन के हैं और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी है। कैंडिडेट मस्ट बी बिलो 21 ईयर एंड एबोव 38 ईयर ऑफ एज ऑन 1/1/2024 एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी सब के लिए एज रिक्वायरमेंट दिया गया है। तो दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा अप्रेंटिसशिप अर्थात एनएससी जो है एनएससी होल्डर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी दिया गया है कि उनको अब टीचर बनने का मौका दिया जाएगा। दोस्तों फॉर्म अभी अप्लाई शुरू नहीं हुआ है, जब फॉर्म अप्लाई शुरू होगा तो मैं वीडियो के माध्यम से सभी को बता देंगे कि हाँ भाई अब फॉर्म अप्लाई शुरू हो गया है। बाकी दोस्तों आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या अप्रेंटिसशिप वालों को शिक्षक का अवसर देना यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोग का इसमें क्या विचार है कि अप्रेंटिसशिप एनएससी वाले को शिक्षक बनने का यह अवसर दिया गया है क्या सही है, आप लोग के अपने भी विचार बताइएगा। बाकी दोस्तों बहुत बहुत अच्छी बात है, सभी अप्रेंटिसशिप साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों लेवल 9 की यह पोस्ट है, लेवल 9 की पोस्ट है, इसमें अच्छा खासा सैलरी रहेगा। तो यह ग्रुप डी में जो रेलवे ग्रुप डी है उनसे बहुत ही अच्छा रहेगा और 125 सीट भी बहुत सीट दिया गया है। और अगर इस बार आप लोग इसमें अगर सिलेक्शन हो जाता है टीचर में तो टीचर का नौकरी दोस्तों सबसे अच्छा है, रेलवे से बहुत ही अच्छा नौकरी है टीचर का। और अगर भुवनेश्वर में और उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में अगर आपको टीचर की नौकरी मिलती है तो यह बहुत ही अच्छी बात है, आपका बहुत ही अच्छा रहेगा टीचर बनने से। तो दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट था एनएससी वाले साथियों के लिए, फॉर्म भराएगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।